अस्सलाम वालेकुम, सब बच्चे कैसे हैं? ठीक हैं। आज हम मॉन्टेसरी क्लास के लिए सबसे पहले मैथ की बुक की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ये देखें यहाँ पे क्या लिखा है, वन। यहाँ पे क्या लिखा है, वन। सब बच्चे मेरे साथ जल्दी से रीडिंग करें। ये क्या लिखा है, वन। वन कार। हाउ मेनी कार्स आर देयर, लेट्स वी काउंट देम। देयर इज़ ओनली वन कार। कार की दूसरी साइड पर आपको कोई और कार नज़र आ रही है? नहीं है ना। तो इट्स मीन डेट इज़ ओनली वन कार। वन कार, रिपीट आफ्टर मी, वन कार वन बस। वन कार वन बस। इसी तरह आपने अपने लेसन को रिवाइज करना है। अब बुक रीडिंग के साथ साथ हम वर्कशीट का काम करेंगे। ये देखें वर्कशीट पे जैसे कि वन है, बुक रीडिंग पे जैसे हमने वन रीड किया, इसी तरह वर्कशीट पे वन हम राइट भी करेंगे। वन पेंसिल, वन पेंसिल। यहाँ पे देखें ओनली वन पेंसिल है, इट्स मीन यहाँ पे हम कहेंगे वन पेंसिल। यहाँ पे कोई और पेंसिल नहीं नज़र आ रही, तो ये वन पेंसिल है। हम पेंसिल हम वन को ट्रेस भी करेंगे। ये देखें यहाँ पे आपको मैं ट्रेसिंग का तरीका बताती हूँ। स्टार्टिंग पॉइंट से आपने अपनी पेंसिल को मूव करना है और आपने स्लो स्लो अपनी पेंसिल को मूव करते हुए डॉट टू डॉट मैच करना है। ये देखें वन लिखना बहुत ही आसान है, आपने इसको बहुत ही आराम से बिल्कुल स्ट्रेट नीचे तक लेके आना है, यूँ। ठीक है, इसी तरह आपने नेक्स्ट वन को भी स्टार्टिंग पॉइंट से आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही ध्यान से ट्रेस करना है। अगर आप लाइन से बिल्कुल भी नीचे राइट करेंगे तो आपका काम रॉन्ग हो जाएगा। ये देखें मैं वन आपको करके दिखाती हूँ, यूँ। ये देखें इस तरह, अगर आप ज़रा सा भी लाइन से नीचे काम करेंगे तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। वन मोर ट्रेस करती हूँ। ये देखें बिल्कुल आपने स्टार्टिंग पॉइंट से अपनी पेंसिल को बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत ही ध्यान से ट्रेस करना है। ये देखें, आप पेरेंट्स से दरख्वास्त है कि बच्चे को गाइडलाइन दें और बच्चे को बिल्कुल भी फ्री हैंड काम ना करने दें। इसी तरह आपने पैटर्न को फॉलो करते हुए इस पेज की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट पेज पे देखें, नेक्स्ट पेज पे भी वन को हमने ट्रेस करना है। ये देखें डिफरेंट फ्लावर्स हैं जिनमें हमने डिफरेंट कलर करने हैं। कैटरपिलर है, कैटरपिलर के अंदर देखें वन ट्रेस किया हुआ है, इसको हमने बिल्कुल ट्रेस करना है। नेक्स्ट अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला में भी हमने डिफरेंट कलर्स करने हैं। ये देखें मैं वन फ्लावर ट्रेस करती हूँ। ये देखें वन बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह। नेक्स्ट वन, पिछले पेज पे जैसे मैंने आपको पैटर्न बताया उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपने डॉट टू डॉट मैच करना है। इन फ्लावर्स में आपने डिफरेंट कलर करने हैं, जैसे कि ये देखें सर्कल में आप ब्राउन कलर कर सकते हैं और फ्लावर में आप डिफरेंट कलर करेंगे। ये देखें जैसे कि वन पेटल में ऑरेंज, नेक्स्ट ऑरेंज, ऑरेंज, इसी तरह आप अपने फुल फ्लावर को कंप्लीट करेंगे। इस पेज पे आपने कलर भी करने हैं। कलर करने से ये है कि आपका काम बहुत ही प्यारा लगेगा। इसी तरह नेक्स्ट हम पेज करेंगे, इसी तरह नेक्स्ट पेज पे देखें, टुडे आवर टॉपिक इज कॉन्सेप्ट। ओके, टुडे आवर टॉपिक इज कॉन्सेप्ट, बिग एंड स्मॉल। बिग एंड स्मॉल, वाओ, वी आर गोइंग टू वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। बिग एंड स्मॉल, बिग एंड स्मॉल, डैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ बिग एंड स्मॉल। ओके, वॉट इज़ द डिफरेंस ऑफ बिग एंड स्मॉल? बिग मीन बड़ा, स्मॉल मीन छोटा। देखें ये भी एलिफेंट है, ये भी एलिफेंट है, बट दिस एलिफेंट इज बिग एंड दिस एलिफेंट इज स्मॉल। ओके, बिग मीन बड़ा, स्मॉल मीन छोटा। इन एलिफेंट्स में आपने कलर भी करने हैं। ठीक है, जैसे कि एलिफेंट में आप स्काई ब्लू कलर करेंगे। ये देखें आपने बिल्कुल बाउंड्री वॉल के साथ अपने कलर्स को कंप्लीट करना है। ये देखें, आप पेरेंट्स से दरख्वास्त है जब आप बच्चे को कलर करवाएं तो उसमें बच्चे को गाइड भी करें और इंतहाई खूबसूरती के साथ आपने आराम आराम से अपने एलिफेंट में कलर को कंप्लीट करना है और आपने अपना बहुत ध्यान रखना है। शुक्रिया।